नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ महिलाएं जो जुड़ी हैं, जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो काम किया था उसके ऊपर कुछ बोला जाएंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मलाया सिंह, और मैं यहाँ भीम ज्ञान चर्चा जो संघ बना हुआ है उसकी एक सदस्य हूँ। और हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में ये पांचवी बार बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई थी। मनुस्मृति जलाने के बाद हमारे लोगों को उनके अधिकार दिलाए थे। अतः हम उन अधिकारों को लेने के लिए अंधविश्वासों से दूर होकर अपने लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति जानना और उनको बताना, ये इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। मैं बाबा साहेब के बारे में बताना चाहती हूँ। बाबा साहेब ने जो सपना 14 अक्टूबर 1956 को जो हमें बौद्ध धर्म देकर दिया था, उसी के उसमें आज हमारे सर हैं रमेश गौतम। उन्होंने बाबा साहेब को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने उन्हें लगा कि हम बाबा साहेब के पूर्वज हैं और हम बौद्ध हैं, तो उन्होंने उस सपने को पूरा करने के लिए, बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए घर घर जाकर हर औरतों को, हर घर को जाकर जगाया और बाबा साहेब के मिशन को यहाँ तक लेकर आए। आज जो आप ये सब भीड़ देख रहे हैं ना, ये सब हमारे सर की बदौलत है और बाबा साहेब के सपने को लोग पूरा करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं बाबा साहेब की एक लायक औलाद हूँ, जो कि बाबा साहेब ने हमको दिया है, हिंदू कोड बिल दिया है, पुनः पैक दिया। और आज के दिन यानी कि 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति में आग लगाकर हमको जो आजादी दी है उसके बारे में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही खुश हूँ। और सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि बाबा साहेब को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, उनके विचारों को जाने और जानकर सभी लोगों को बताए। जय भीम। बाबा साहेब ने जो दिया है समाज को वो किसी ने नहीं दिया। बाबा साहेब ने समानता का अधिकार, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार और सभी को समाज में सिर उठाकर जीने का अधिकार दिया है। उन्हीं की वजह से आज ये इतना बड़ा उत्सव मन रहा है, बौद्ध महोत्सव, क्योंकि सबको उनका नारा था शिक्षित रहें, संगठित रहकर संघर्ष करें। हम सभी बाबा साहेब के सपनों को साकार करना चाहते हैं और साकार हो भी रहा है। हम बाबा साहब को बहुत गौरवान्वित हैं और बाबा साहब के इन्हीं सिद्धांतों पर चलने का पूरा प्रयास। आज हम 5वां बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं और आप देख रहे हैं ये सब ग्रामीण जनता यहाँ पर ज्यादा है जो बाबा साहब के अनुयायी हैं। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो हमें दिया है वो हम कभी नहीं भुला सकते। मेरा नाम लक्ष्मी बौद्ध है और मैं गाजियाबाद से चलकर आई हूँ यहाँ पर। हम गाजियाबाद से काफी भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं और मैं आपको आज के खास दिन की ये बात बताना चाहती हूँ कि आज ही के दिन बाबा साहब ने उस काले चिट्ठे में, काले संविधान में आग लगाई थी और ऐसा संविधान हम सबको दे के गए जिसके तहत हम सब लोगों को अधिकार मिले, हम लोग आज आजादी से घूम पाते हैं, रह पाते हैं। आज उन्हीं की बदौलत हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं और इसी त्योहार को हम आज के दिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं और हर साल उस मनुस्मृति में आग लगाते हैं और लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। और साल भर की मेहनत आप लोगों को आज यहाँ दिखाई देगी। देख ही रहे हैं आप लोग कितने करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं इस बौद्ध महोत्सव में। तो मैं भी आप लोगों से चाहूंगी, अगर आप लोग पास में है और सुन पा रहे हैं तो प्लीज जल्द से जल्द यहाँ प्रोग्राम में आ जाइए। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। बाबा साहब ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, लेडीजों के लिए, जेंट्स को, जो उन्होंने समाज में सम्मान दिया है बराबर का, आज तक किसी ने नहीं दिया। और मैं बाबा साहब को बहुत मानती हूँ, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत किया। आज हम जिस पोजीशन पे हैं बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब की बदौलत ही आज बड़े बड़े स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, होटलों में खाना खा रहे हैं हम लोग और बड़े बड़े पोस्टों पे हम कार्य कर रहे हैं। सब बाबा साहब की बदौलत है जो आज हमें इज्जत और सम्मान मिल रहा है, बाबा साहब ने ही दिलाया है। हम बाबा साहब का उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जय भीम। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ करा, संविधान लिखा उन्होंने, इतना कुछ दिया हमारे लिए मान सम्मान, और उसके लिए हम बाबा साहब के लिए जय जयकार करने आए, उनके संविधान के लिए, उनके बारे में कुछ सुनने के लिए आए, उनके जैसे कुछ करेंगे देखेंगे जभी तो कुछ कर पाएंगे। जैसे कि हम जैसे हर बार प्रोग्राम करते हैं, हमें हर बार करना चाहिए जिससे लोग जागरूक होंगे और जिससे लोगों को पता चलेगा कि हम लोग को उन्होंने क्या क्या किया और हमसे क्या क्या हुआ है। इसलिए हमें उनके आना चाहिए, कई लोग नहीं आते इसलिए कि इधर जाने से कोई फायदा नहीं है, इधर जाने से बहुत फायदा है। बनाया था जिसमें महिलाओं को जीने का अधिकार था, उस मनुस्मृति को आग लगाई थी बाबा साहब ने, उसी को आज तक हम मनाते हुए हैं मनुस्मृति दिवस को। मैं सुनीता गाजियाबाद से,
मैं बाबा साहब की बदौलत है जो आज हमें सब कुछ अधिकार बाबा साहब ने दिया है, उन्हीं की बदौलत से हम पढ़ते लिखते सब कुछ करते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए हम चाहते हैं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा जाए, जो कि मतलब एक अल्पसंख्यक थे, वो मतलब छोटी जाति के बारे में बहुत सोचते थे, बुरा नहीं सोचते थे किसी के बारे में, बहुत ही अच्छा, आज भी हम उन्हें मानते हैं। बाबा साहब हमारे लिए वो है जो कभी हम सोच भी नहीं सकते, उन्होंने हमें इतनी आज़ादियाँ दिलाई, उन्होंने हमें पानी पीने की भी आज़ादी नहीं थी, हमें इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर सके, उन्होंने हमें इतनी आज़ादी दिलाई कि अब हम अपनी मर्जी से चल भी सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।